न्यूज़ के हिंदी बुलेटिन में मैं ऐश्वर्या आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। ईडी ने सोनिया गांधी से 6 घंटे से अधिक समय तक की पूछताछ। ईडी द्वारा पूछताछ के लिए आज फिर होंगी पेश। आज शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे का मनाया जाएगा जन्मदिन। ठाकरे ने गुलदस्ता नहीं, इस बार शिवसैनिकों से मांगा खास उपहार। और नागपुर संभाग में भारी बारिश से किसानों को हुआ भारी नुकसान। नागपुर संभाग में 2 लाख हेक्टेयर फसल नष्ट। विस्तार से कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड मामले में मंगलवार को ईडी के समक्ष पेश हुई। ईडी ने सोनिया गांधी से 2 चरणों में लंबी पूछताछ की। खबर है कि ईडी ने बुधवार को भी सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया है। प्रवर्तन निदेशालय ने नेशनल हेराल्ड से जुड़े कथित धन शोधन मामले में मंगलवार को दूसरे दिन कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी से 6 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की। अधिकारियों ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सोनिया गांधी को फिर बुधवार को पेश होने को कहा गया है। वो मंगलवार को अपना बयान दर्ज कराने के बाद शाम 7 बजे से महज कुछ देर पहले यहां ईडी कार्यालय से रवाना हुई। सोनिया गांधी जेड प्लस सुरक्षा घेरे में अपने बेटे राहुल गांधी और बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ पूर्वाह्न करीब 11 बजे मध्य दिल्ली में APJ अब्दुल कलाम रोड पर विद्युत लेन में स्थित संघीय एजेंसी के कार्यालय पहुंची थी। भारत पहले चीन से दोस्ती कर आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन वर्ष 2020 में पूर्वी लद्दाख में चीन के दुस्साहस के बाद अब भारत ने उसके प्रति नरमी की नीति छोड़ दी है। ड्रैगन को जवाब देने के लिए भारत ने मंगलवार को बड़ा फैसला लिया। भारत पर हमला करने के लिए चीन लगातार अटैक ड्रोन की तादाद और ताकत को बढ़ा रहा है। इसे देखते हुए भारतीय सेनाएं भी अब झुंड में हमला करने वाले स्वार्म ड्रोन से लैस होंगी। रक्षा मंत्रालय ने चौकसी निगरानी और हमला करने वाले स्वार्म ड्रोन खरीदने को मंजूरी दे दी है। खास बात यह है कि ड्रोन स्वदेशी निर्माताओं से ही खरीदे जाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में मंगलवार को आयोजित हुई रक्षा खरीद परिषद की बैठक में इन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि सशस्त्र बलों के 28,732 करोड़ रुपये के रक्षा उपकरणों की मंजूरी दी गई है। इनमें स्वार्म ड्रोन के साथ ही क्लोज क्वार्टर कार्बाइन और बुलेट प्रूफ जैकेट समेत अन्य हथियार शामिल है। इन सब हथियारों की खरीद देसी रक्षा कंपनियों से होंगी। आज शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे का जन्मदिन है। आज ठाकरे 62 वर्ष के हो जाएंगे। हालांकि इस बार महाराष्ट्र के पूर्व CM उद्धव ठाकरे ने शिवसैनिकों से गुलदस्ते के बजाय खास उपहार की मांग की है। ठाकरे ने कहा है कि इस बार उन्हें अपने जन्म दिवस पर गुलदस्ता नहीं चाहिए, लेकिन शिवसेना कार्यकर्ताओं से हलफनामा चाहिए कि वे पार्टी पर भरोसा करते हैं और अधिक से अधिक लोगों को पार्टी के सदस्य के रूप में जोड़ेंगे। इस बार जन्म दिवस पर उद्धव ठाकरे ने पार्टी कार्यकर्ताओं से उनका भरोसा मांगा है। बता दें कि 39 बागी विधायकों की वजह से ठाकरे को CM की कुर्सी गंवानी पड़ी थी। दरअसल पार्टी कार्यकर्ताओं और शिवसैनिकों से इस तरह की मांग का इस बार एक वाजिब कारण साफ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि कुछ दिनों पहले पार्टी में हुई बगावत के बाद शिवसेना 2 हिस्सों में बट गई थी और आज स्थिति ये है कि उद्धव ठाकरे कुछ विधायकों की बगावत के बाद CM की कुर्सी गंवा चुके हैं। पार्टी में दोबारा ऐसा ना हो, इसलिए CM ने कार्यकर्ताओं और शिवसैनिकों से ऐसी मांग की है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को पार्टी के बागी नेताओं की तुलना पेड़ के सड़े हुए पत्तों से की। ठाकरे ने कहा कि चुनाव के बाद पता चल जाएगा कि लोग किसका समर्थन करते हैं। मुख्यमंत्री पद से पिछले महीने इस्तीफा देने के बाद शिवसेना के मुखपत्र सामना के साथ पहले साक्षात्कार में उद्धव ने कहा कि पार्टी के कुछ नेताओं पर अत्यधिक भरोसा करना उनकी गलती थी। सामना के कार्यकारी संपादक और शिवसेना के सांसद संजय राउत ने एक स्टूडियो में ठाकरे के साथ साक्षात्कार किया। उन्होंने पार्टी से बगावत करने वाले नेता और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का नाम लिए बगैर कहा कि कुछ लोग अपनी तुलना बाला साहब ठाकरे से कर रहे हैं, जो उनकी राक्षसी महत्वाकांक्षा और लालच दिखाता है। ठाकरे ने कहा, ये विद्रोही पेड़ के सड़े हुए पत्तों की तरह है और उन्हें झड़ ही जाना चाहिए। ये पेड़ के लिए अच्छा होता है, क्योंकि इसके बाद नए पत्ते उगाते हैं। बागी नेताओं का दावा है कि वे असली शिवसेना का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस बारे में उद्धव ने कहा कि चुनाव होने दीजिए और फिर देखते हैं कि लोग किसे चुनते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, लोग या तो हमारे पक्ष में मतदान करेंगे या फिर उन्हें वोट देंगे, यह हमेशा के लिए स्पष्ट हो जाएगा। खबरों के सिलसिले में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। लव यू दीपिका। बाय।
सब जानना चाहते हैं। मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश। पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहाँ कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। Flywheel Aviation Academy, 1 degree 3 job opportunities। Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com। सबका फिर से स्वागत है। नागपुर संभाग में भारी बारिश से किसानों को भारी नुकसान हुआ है और किसान पूरी तरह से मायूस हो गए हैं। कृषि विभाग ने प्रारंभिक अनुमान व्यक्त किया है कि नागपुर संभाग में 28,000 हेक्टेयर सहित नागपुर जिले में 2 लाख हेक्टेयर से अधिक की फसल नष्ट हो गई है। बताया जाता है कि 350 हेक्टेयर से ऊपर के खेत की उपजाऊ जमीन बारिश के पानी में फसलों के साथ बह गई है। इसलिए सरकार द्वारा क्षतिग्रस्त फसलों को युद्ध स्तर पर घोषित किया जा रहा है। क्षति का पंचनामा नागपुर संभाग के पूरे तहसील कार्यालय द्वारा किया जा रहा है और पंचनामा का कार्य अगले 8 से 10 दिनों में पूरा कर लिया जाएगा। उसके बाद सरकार को नुकसान की रिपोर्ट सौंपी जाएगी। मैं आता सांगितल्याप्रमाणे साधारणपणे 19 लाखापैकी 14 लाख हेक्टर क्षेत्र आपलं जे पेरणी झालेलं आहे, यामध्ये जी काही जुलै महिन्यामध्ये अतिवृष्टी झाली, या अतिवृष्टीमुळे प्राथमिक अंदाजानुसार वर्धा, चंद्रपूर, गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया हे जिल्हे मिळून साधारणपणे 2 लाख हेक्टर क्षेत्रावर पिकांचं नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे। त्यात 300-350 हेक्टरची जमिनी देखील खरवडून नुकसान झालं आहे। ज्या ठिकाणी जमिनीवर वाळू येऊन साचलेले आहे किंवा काही ठिकाणी जमिनीचा वरचा जो सुपीक थर आहे ती सुपीक मातीच खरडून जाऊन नष्ट झालेली आहे, अशा प्रकारे जमिनी देखील नुकसान झालेलं आहे। तर या भागातील जमीन आणि पिकं यांचं नुकसान झालेलं आहे। महसूल प्रशासनाच्या वतीने सर्व तहसील कार्यालयाच्या वतीने नुकसान झालेल्या पिकांचे पंचनामे करण्याचं युद्ध पातळीवर काम सुरू करण्यात आलं आहे आणि येत्या 8 ते 10 दिवसात हे सर्व काम जर पावसाचं उघड राहिला तर पूर्ण होण्याचा आम्हाला विश्वास आहे। सोनिया गांधी को ईडी द्वारा पूछताछ के लिए बुलाए जाने के विरोध में पूरे भारत में जगह जगह आंदोलन किए गए। नागपुर में भी कांग्रेस द्वारा आंदोलन किया गया। ईडी द्वारा सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए बुलाए जाने के विरोध में देश में कई जगहों पर आंदोलन किए गए। इसी कड़ी में नागपुर के संविधान चौक पर भी कांग्रेस द्वारा आंदोलन किया गया। इस आंदोलन में कांग्रेस नेता और पदाधिकारी कार्यकर्ता सहभागी हुए। इस वक्त विकास ठाकरे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि केंद्र सरकार सिर्फ विरोधी पार्टियों को परेशान करने के लिए ईडी का इस्तेमाल कर रही है। हम सोनिया जी के साथ हैं। मला वाटतं की नरेंद्र मोदी आणि भाजपचं सरकार जे या देशातून विरोधी पक्षाला संपवण्याचं षड्यंत्र रचत आहे। आपण पाहिलं असेल की प्रत्येक राज्यातली सरकार जी दुसऱ्या पक्षाची असली त्या सरकारला खेचण्याचं तोडण्याचं काम हे मोदी सरकार करत आहे आणि सोनियाजी, राहुलजी यांना ईडीच्या मार्फत त्रास देऊन सगळ्या काँग्रेस आणि सगळ्याच विरोधी पक्षांना एक संदेश देत आहे की आम्ही सोनियाजी, राहुलजींना ईडीच्या कार्यालयात बोलू शकतो तर आम्ही कोणालाही सोडू नाही शकत। हा संदेश देऊन या देशातील विरोधी पक्ष संपवण्याचं कट कारस्थान षडयंत्र रचत आहे, परंतु विरोधी पक्ष नसेल तर ही सत्ताधारीही बरोबर काम करू शकत नाही। या देशात विरोधी पक्ष राहील
तरच सत्ताधारी बरोबर काम करू शकतील आणि याचाच निषेध म्हणून काँग्रेस पक्षातर्फे आज देशभरात हे सत्याग्रह आंदोलन करण्यात येते. मोदी सरकार द्वारा भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसी के दुरुपयोग के खिलाफ हाल ही में गांधी चौक पर एक शांतिपूर्ण सत्याग्रह और विरोध सभा आयोजित की गई थी. केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की इस मौके पर पूर्व पार्षद दामोदर धोपटे ने अपने भाषण में केंद्र सरकार का विरोध किया. जिला परिषद सदस्य दुधराम सवालाखे, रामटेक तालुका कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कैलाश राउत, रामटेक सिटी कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पूर्व पार्षद दामोदर धोपटे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीटी रघुवंशी, तुलाराम मेंढे, नितिन भाईसारे, राहुल कोठेकर और अन्य कांग्रेस पदाधिकारी मुख्य रूप से उपस्थित थे. तो वीकेबी न्यूज के हिंदी बुलेटिन में अब बस इतना ही. फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ. तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज. नमस्कार.